नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम इंटरग्रेटेड कोर्स के बारे में जानेंगे कि इंटरग्रेटेड कोर्स क्या है, किनको करना चाहिए, इनका क्या बेनिफिट्स है और क्या नुकसान हो सकता है, तो आज हम कंप्लीट बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं तरस साहू। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दे ताकि नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोर्सेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इंटरग्रेटेड कोर्स क्या है और किनको करना चाहिए। तो इंटरग्रेटेड कोर्स डबल डिग्री कोर्स है, तो किनको करना चाहिए? तो इंटरग्रेटेड कोर्स उन्हीं को करना चाहिए जिनको कुछ बनना है वो पहले से फिक्स हो। जैसे आपको टीचर बनना है तो आप बीएससी बीएड कर सकते हो, आपको लॉ की पढ़ाई करनी है तो आप बीए एलएलबी कर सकते हो। तो अगर आप इंटरग्रेटेड कोर्स में पढ़ाई करें तो आपको फिक्स होना चाहिए कि आपको क्या बनना है, क्योंकि इसमें आपका बहुत ही लंबा टाइम चल जाता है। इसका बेनिफिट्स क्या है? तो इसमें आपको बार बार एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिलाना पड़ेगा। एक बार एंट्रेंस एग्जाम दिलाओगे सीधा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अगर आपको बीएससी और एमएससी करना है तो आप बीएससी एमएससी कर सकते हो। आपको बीएड करना है तो आप बीए बीएड बीएससी बीएड कर सकते हो। अगर आपको लॉ की पढ़ाई करनी है तो आप बीए एलएलबी बीबीए एलएलबी या फिर बीकॉम एलएलबी कर सकते हो। तो इसमें कुछ बेनिफिट्स है और नुकसान भी है। तो चलिए, बहुत सारे कोर्सेस होती है जिसमें इंटरग्रेटेड कोर्स आप कर सकते हो, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, अगर आपको टीचर बनना है, आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आप बीए बीएड कर सकते हो, बीएससी बीएड कर सकते हो। इसके लिए स्टेट लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बीएससी बीएड कर सकते हो अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है, बीए बीएड कर सकते हो अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है स्टेट लेवल पर। अगर आप बीएससी के बाद बीएड करते हो तो आपको 5 साल लगता है, और बीएससी बीएड अगर आप इंटरग्रेटेड करते हो तो आपको 4 साल लगता है। उसी तरह से अगर आप लॉ की पढ़ाई करना चाहते हो तो आप इसमें इंटरग्रेटेड कोर्स कर सकते हो, बीए एलएलबी कर सकते हो, बीकॉम एलएलबी कर सकते हो, बीबीए एलएलबी कर सकते हो। यह टोटल 5 साल का होता है। इसके लिए आपको क्लैट एग्जाम दिलाना पड़ता है जो कि नेशनल लेवल की एग्जाम है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपको एमबीए करनी है तो आप बीबीए प्लस एमबीए की कोर्स कर सकते हो, यह 5 साल का कोर्स होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपको बीटेक के बाद एमटेक करना है, बीटेक के बाद अगर आपको एमटेक करना है टेक्निकल कोर्स में ही जाना है तो आप कर सकते हो बीटेक प्लस एमटेक इंटरग्रेटेड कोर्स जो कि 5 साल का रहेगा। अगर बीएससी के बाद एमएससी करनी है तो आप इंटरग्रेटेड कोर्स के थ्रू बीएससी प्लस एमएससी इंटरग्रेटेड कोर्स कर सकते हो, जिसमें आपका बीएससी और एमएससी हो जाएगा, टोटल 5 साल का कोर्स रहेगा। उसके बाद बीकॉम प्लस एमकॉम की पढ़ाई कर सकते हो जो कि इंटरग्रेटेड कोर्स है। इसके लिए आपको कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम होता है, कहीं कहीं नेशनल लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसकी कॉलेजेस क्या है, तो एलएलबी की मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और बाकी जो कोर्सेस है उसका भी वीडियो कुछ दिनों बाद बना दूंगा। इनमें से काफी सारे कोर्सेस और यह कोर्सेज सभी जगह प्रोवाइड नहीं किया गया है या कुछ ही जगह प्रोवाइड किया गया है, तो इसके बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दे। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।